अंगकति स्टूडेंट, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गन। इस चैप्टर में अभी तक हमने ब्रीदिंग के बारे में स्टडी किया, रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी किया, दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में भी डिस्कस किया, ब्रीदिंग रेट क्या होती है, तो ये सब टॉपिक हम इसमें अब तक डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी ब्रीथ, जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है ये क्या होता है, कैसे होता है हमारा। तो जो हम एयर लेते हैं तो हमारे नोज में दो होल होते हैं जिनको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं, तो नॉस्ट्रिल के थ्रू हम एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो लेते हैं। तो ये एयर उसके बाद नसल कैविटी होती है उससे पास होती है, नसल कैविटी से पास होकर ये ट्रैकिया में जाती है। एयर ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, तो विंड पाइप से होकर ये एयर ब्रोंकाई में एंटर करती है। ब्रोंकाई से क्या होती है, ब्रोंकाई में दो ट्यूब्स होती है, स्मॉल ट्यूब, तो इसमें से ईच ब्रोंकस एंटर करती है लंग्स में, तो लंग्स में एंटर करके ये ब्रोंकस डिवाइड हो जाती है बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स में जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल। अब ब्रोंकियोल क्या, ब्रोंकियोल जो है ब्रोंकियोल की एंड पर, ईच ब्रोंकियोल के एंड पर टिनी एयर सैक्स होते हैं। टिनी एयर सैक्स का मतलब है एक पाउच, थैली यानी ब्लैडर, तो छोटी छोटी एयर की ब्लैडर होती है, पाउच होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोली। अब एल्वियोली की जो सरफेस होती है उस पर होते हैं ब्लड कैपिलरीज। इन ब्लड कैपिलरीज, कैपिलरीज का मतलब बहुत ही थिन ट्यूब, बहुत ही पतली पतली ट्यूब्स होती है जिनको ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं, जिनके अंदर ब्लड होता है। तो इन ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ही गैसेज का एक्सचेंज होता है। गैसेज का एक्सचेंज से मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में अंदर एंटर करती है लंग्स में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब जो ये ब्लड कैपिलरीज होती है क्या होती है, एल्वियोली की वॉल पर होती है, ठीक है। अब जो लंग्स होते हैं हमारे, ये लंग्स क्या होते हैं, लंग्स जो है चेस्ट कैविटी में होते हैं, लंग्स आर सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी। और किससे प्रोटेक्ट होते हैं लंग, रिब केज से प्रोटेक्ट होते हैं क्योंकि ऊपर रिब्स होती है। इसके बारे में, रिब केज के बारे में, रिब्स के बारे में क्लास सिक्स में बॉडी मूवमेंट वाले चैप्टर में स्टडी किया था, तो उसको रिब केज से प्रोटेक्शन मिलती है लंग्स को, ठीक है। अब जो एयर आती है ब्लड कैपिलरीज के बाद जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है तो लंग्स में होता है, तो लंग्स के बाद लंग्स का चेस्ट कैविटी में होता है, और लंग्स के जो नीचे होता है बेस उसका वो मसल्स का होता है, उसको बोलते हैं डायाफ्राम। तो जब हम अब ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो क्या होता है, जो रिब्स होती है हमारी वो क्या होती है, मूव्स अपवर्ड, और जो डायाफ्राम होता है वो मूव्स डाउनवर्ड। रिब्स जो होती है अपवर्ड भी मूव करती है और आउटवर्ड भी, बाहर की साइड भी मूव करती है, और लेकिन जो डायाफ्राम होता है वो मूव डाउनवर्ड, तो दोनों के बीच में स्पेस हो जाता है चेस्ट के बीच में, इस स्पेस में एयर फिल हो जाती है। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में इसका अपोजिट होता है, एक्सहेलेशन में क्या होता है, जो रिब्स होती हैं, जो रिब्स मूव डाउनवर्ड और डायाफ्राम मूव अपवर्ड, तो डायाफ्राम तो अपवर्ड मूव कर रहा है और रिब्स डाउनवर्ड मूव कर दिए, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में स्पेस नहीं होता चेस्ट के बीच में और एयर बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो एयर हमारे अंदर एंटर करती है नोज के द्वारा, नॉस्ट्रिल के द्वारा, वो एयर रिच इन ऑक्सीजन होती है, यानी उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की क्वान्टिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जो एयर बाहर निकलती है एक्सहेल होती है तो उसमें क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वान्टिटी, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग में हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रोसेस होता है। एक्चुअली में हमने ये भी देखा कि जो बहुत सारे ऑर्गन्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो जैसे नोज है और नसल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स और डायफ्राम, ये सब जो हैं इन्वॉल्व हैं, तो कौन से प्रोसेस में, ब्रीदिंग के प्रोसेस में। तो इस प्रकार ये प्रोसेस आप स्टडी कीजिए, केयरफुली स्टडी कीजिए, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। Thank you. Have a nice day.